नमस्कार, आदाब। कटिहार में आरपीएफ पुलिस को सिक्योरिटी शील्ड से नवाजा गया है, जिसको लेकर आज कटिहार में आरपीएफ के कमांडेंट ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि जो है बेहतर काम, जो आप बैनर में पढ़ सकते हैं, सेवा ही संकल्प है सुरक्षा सम्मेलन, मतलब कह लें कि जितने आरपीएफ कटिहार के द्वारा जो बेहतर काम किए गए हैं, उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी शील्ड से नवाजा गया है, जिसकी जानकारी आरपीएफ कमांडेंट ने दी है। आइए सीधे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दिया गया हमारे डिवीजन को, दिया गया हमारे डिवीजन को, दिया गया सिक्योरिटी शील्ड, जो हर हर पैमाने पर इसकी फर्क होती है। ये हमें शील्ड दी गई है, इसके भागीदार हम सभी हैं। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो हमारे जवान जो नीचे लेवल में है या कुक है, उनसे लेके कहीं ना कहीं आगम हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे डिवीजन को, इस कटिहार डिवीजन को, आपको कपजे से काम करके आ रहे हैं, डिवीजन को आपके साथ आप विटनेस कर रहे हैं, इस परफॉर्मेंस को आप विटनेस कर रहे हैं, आप गवाह बन रहे हैं कि हाँ कटिहार डिवीजन का जो परफॉर्मेंस है सबसे हाई है यहाँ पर। और अभी जो हम रिसेंटली काम भी किया हम लोग, वो भी पूरे भारतवर्ष के लेवल तक है। आप सोचते होंगे कि सर भारतवर्ष में तो 75,000 फोर्स ने काम किया, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। आपको शायद नहीं मालूम है, अगर कटिहार में एक पिन गिर गया होता, कहीं पर एक तार कट गया होता, तो लोग कहते हैं कि बढ़िया तो था लेकिन कटिहार में कारिक लग गई। आप कभी सोच नहीं सकते हैं इतने बड़े फंक्शन में कटिहार डिवीजन भी शामिल हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आप सभी को इस शील्ड के लिए और परसों वाले काम के लिए बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में तकलीफ को, ग्रीवांस को छोड़कर हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और आज का जो व्यवस्था किया गया है, ये भी हमारे रिवार्ड मिला, 25,000 रुपये, 20,000 और 10-30,000 रुपये मिला। ये आप लोगों के काम से, आप लोग खड़े रहे, मीडिया के कर्मी आए, फोटो लिए, सर क्यों उतार रहे हैं, सर कहाँ चढ़ा रहे हैं, सर ये जो रेल मदद हुआ करती थी उसमें, आज रेल मदद पूरे जोन में सबसे अच्छा फास्ट आरपीएफ का है। ये जीएम की तरफ से उसमें भी 10,000 रुपये आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कटिहार डिवीज़न का आरपीएफ सबसे ज़्यादा कम समय में उसको डिस्पोजल करता है। ये रेलवे आरपीएफ का जो पूरे जोन में सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए कटिहार डिवीज़न को एक दिया गया सिक्योरिटी शील्ड दिया गया, एफिशिएंसी शील्ड इसको बोलते हैं हम लोग। ये हर क्षेत्र में कार्य बेहतर होता है पिछले साल के बनिस्पत, उसके लिए दिया जाता है, जीएम के द्वारा दिया जाता है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे हमारा क्राइम्स संबंधित होता है, वेलफेयर संबंधित होता है, ऑफिसर संबंधित होता है, बाहर जो हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं पुलिस के साथ बाकी साथ में उसका होता है, और सभी उपलब्धियों पर आधारित करने के बाद ये सबसे जो बेस्ट उपलब्धि प्राप्त होती है पूरे जोन के लिए उसमें दिया जाता है। तो कटिहार को मिला इस बार एफिशिएंसी शील्ड, और इसमें सबकी भागीदारी रही, जवानों ने, अधिकारियों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों का भी योगदान रहा इस, खास करके TOPB में जो चारों तरफ प्रचार प्रसार किया गया, उसमें अवेयरनेस किया गया, लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उसका असर हुआ कि अपराध पर भी नियंत्रण हुआ, लोगों में जागरूकता हुई, खास करके ट्रैफिकिंग वगैरह के बारे में काफ़ी कंट्रोल हुआ। जो आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया, इसका असर देखने में मिला कि बच्चों की ट्रैफिकिंग, बच्चियों की ट्रैफिकिंग जो हो रही थी, वो उस पर काफ़ी अंकुश लगा। रेल मदद और सहायक और बेहतर करने के लिए क्या किया गया? और बेहतर करने के लिए हमारे यहाँ ह्यूमन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की टीम हर पोस्टों पर बनी है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेंटर है उससे कोऑर्डिनेट करके हम लोग खबर लेते हैं और उसके सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हैं और रेस्क्यू करते हैं बच्चों का, फिर ट्रैफिकर को अरेस्ट करते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सर, रेल मदद और मेरी सहेली कितना सहायक हुआ? रेल मदद और मेरी सहेली एक ऐसी उपलब्धि है आरपीएफ के लिए जो इंस्टेंट हेल्प होती है, तुरंत खबर मिलती है। रेल मदद के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, कोशिश करते हैं कि जो भी कंप्लेन आई रेल मदद में, चाहे चोरी का हो, भूले भटके का हो, बीमार का हो, तबीयत खराब हो, बच्चे छूट गए, सामान छूट गए, लगेज छूट गया, ट्रेन छूट गई, तो हम लोग कोशिश रहती है कि कम समय, जितने कम समय में हो उनको हम लोग संतुष्ट करें। जहाँ क्राइम का मामला है वहाँ FIR करवाते हैं हम लोग, FIR एडवाइस करते हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं FIR हम बाहर करेंगे
दिल्ली करेंगे तो हम लोग वहाँ तक खबर अपने हिसाब से देते हैं, अपने कंट्रोल के माध्यम से देते हैं, वहाँ उनको सहायता मिलती है ताकि वो जाके वहाँ FIR करा सके, उसकी जांच हो सके। मेरी सहेली में ये चिन्हित रहता है कि कौन कौन से लेडीज़ चाहे जो पैसेंजर हमारे हैं अकेले कहाँ यात्रा कर रहे हैं, उनको हम लोग रास्ते में अटेंड करते हैं, बीच बीच में जहाँ होता है उनसे पूछते हैं कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई समस्या है कि नहीं, और उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। सर, विकसित भारत का विकसित रेल 2047 की बात अभी आपने की, मतलब क्या इसमें भागीदारी रहेगी, क्या दर सकती है? देखिए किसी भी देश का विकास उसके ट्रांसपोर्टेशन पर, आवागमन पर निर्भर करता है, और भारत में रेलवे ऐसी व्यवस्था है जो सारे भारत के हर कोने को जोड़ती है, सबसे सुगम तरीका है। तो बगैर रेल का विकास किए भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो रेल और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में अभी रेलवे का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा ओड़ा होता है आपराधिक छेड़छाड़। तो उसमें हमारा ये सौभाग्य है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी इसी स्थिति से काम करके और प्रोजेक्ट को हम टाइम पर पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं, चाहे रेल लाइन बनने का हो या विद्युतीकरण का काम हो, उसमें हम रात दिन लग के अपराध मुक्त रखते हैं ताकि टारगेट के अंदर उसकी पूरी कार्य कंप्लीट हो।